कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के परितेवादी गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर रंजीत सिंह डिजेल ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के विनर घोषित होकर इतिहास रचा है। उन्हें प्राइज मनी के तौर पे 7 करोड़ रुपीस मिला है। सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि वो प्राइज जीतने के बाद उन्होंने जब ये अनाउंस किया कि वो अपना हाफ प्राइज मनी मतलब करीब 3.5 करोड़ बाकी के जो 9 फाइनलिस्ट टीचर है उन सब में इक्वली बांट देना चाहते हैं, इस रेयर अनाउंसमेंट ने उन्हें दुनिया भर से एंडलेस रेस्पेक्ट एंड प्रेज से भर दिया है। ये प्राइज जीतने के बाद मिस्टर डिजेल ने कहा, टीचर्स ही रियल चेंज मेकर्स है, वो चौक और चैलेंजेस के मिक्सचर के जरिए अपने स्टूडेंट्स के लाइफ को बदल देते हैं, वो हमेशा गिविंग एंड शेयरिंग में बिलीव करते हैं। इसलिए मैं खुशी के साथ ये घोषित कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्राइज मनी के आधा हिस्सा मेरे फेलो टॉप 10 फाइनलिस्ट टीचर दोस्तों में इक्वली बांट देकर उनके इनक्रेडिबल वर्क को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सभी एक साथ मिलकर इस दुनिया को बदल दे सकते हैं, क्योंकि शेयर करना ही ग्रो करना होता है। ऐसे ही एक टीचर है संदीप राज, जो कि NLP प्रैक्टिशनर एंड मेमोरी कोच है। उन्होंने हिंदी में एक मेमोरी इम्प्रूवमेंट कोर्स बनाया है जो स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मेमोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि हर मेमोरी कोच कहते हैं, देर इज नो गुड और बैड मेमोरी, ओनली ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। इन दिस मेमोरी इम्प्रूवमेंट कोर्स यू विल लर्न ईजी टेक्निक्स टू मेमोराइज एनीथिंग। यदि आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई करें वो याद रहे और आपकी मेमोरी पावर 10 times बढ़ जाए तो इस कोर्स को जरूर ट्राई करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट thejamwant.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रंजीत सिंह शुरू में एक IT इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होने के बाद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ भी ना हो पाने की वजह से उनके पिता फिर उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का सलाह देते हैं। शुरू में इच्छा ना रहते हुए भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बाद में रंजीत सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन उठता है, क्योंकि वो ये रियलाइज करते हैं कि टीचर्स ही सोसाइटी के रियल चेंज मेकर्स है और इसलिए वो उनमें से एक बनने का डिसीशन लेते हैं। उन्हें पहला पोस्टिंग 2009 में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में मिला था। वो स्कूल एक स्टोर रूम और एक कैटल शेड के बीच में था। उस स्कूल में ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन था और लड़कियों की एडुकेशन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इन सारे सोशल चैलेंजेस के साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कूल के टेक्स्ट बुक्स भी वहाँ के स्टूडेंट्स के मदर टंग कनाडा लैंग्वेज में नहीं था, जिस वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ने में और ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता था। ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट मिल पाए, इसलिए फिर उन्होंने स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 4 तक के सारे टेक्स्ट बुक्स रीडिज़ाइन करने का जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया था। इसके बाद फिर वो खुद कनाडा लैंग्वेज सीखकर सारे टेक्स्ट बुक्स को कनाडा में ट्रांसलेट करते हैं और हर एक पेज में QR कोड इस्तेमाल करके वीडियो लेक्चर, स्टोरी, ऑडियो पोएम ये सब ऐड कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मज़ा आए और किसी कंसेप्ट को समझने में भी उन्हें आसानी हो सके। इसके अलावा उन्होंने लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए वो टोटल 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, पैलेस्टाइन, US, नॉर्थ कोरिया, इराक और ईरान से टोटल 19,000 स्टूडेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाते हैं। उनके इस कोशिश का असली मकसद ये है ताकि वॉर टोन एरिया के स्टूडेंट्स के बीच में शांति बढ़ाया जाए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एडुकेटर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के जरिए वो दुनिया भर के देशों से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उन्हें वर्चुअल ट्रिप पे भी लेके जाते हैं। वो अपने घर पे साइंटिफिक लेबोरेटरी में डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, जिससे कि वो उन कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। उनके इस कोशिश की वजह से उनके स्कूल में अभी फीमेल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 100% है और अब एक भी चाइल्ड मैरिज उस गांव में नहीं होता है। उनके इस कोशिश का रिजल्ट देख के खुश होकर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने 2017 में ये अनाउंस किया कि अब से सभी स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स में QR कोड ऐड किया जाएगा। इसके बाद फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD ने अनाउंस किया कि NCERT के सभी टेक्स्ट बुक्स में भी QR कोड ऐड किया जाएगा। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नदेला ने अपनी बुक हिट रिफ्रेश में रंजीत सिंह के काम के बारे में मेंशन किया था। 2016 में रंजीत सिंह इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए थे।
इसके अलावा 2018 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हें मिला है। प्राइज मनी के तौर पे मिले हुए पैसे की मदद से वो वॉर टॉर्न एरिया से 5000 स्टूडेंट्स को अपने पीस आर्मी में रिक्रूट करना चाहते हैं। यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एडुकेशन स्टेफानिया जियानिन ने उनके बारे में कही है, रंजीत सिंह के जैसे टीचर्स क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे और एक पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी बिल्ड करेंगे। रंजीत सिंह के जैसे टीचर्स सारी इनइक्वालिटीज को दूर करके इकोनॉमिक ग्रोथ ले आएंगे। रंजीत सिंह के जैसे टीचर्स हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। अब मैं हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स गुरुदेव हिरमत को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखकर आपको खुद को कुछ मदद मिल पाया है और आप हमें हमारे इस काम को जारी रखने और बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हो, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर करके इस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तकदीर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।